बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर आज हम लोकोमोशन मैमल्स और फिर एवोल्यूशनरी चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स, ठीक है, कि मैमल्स के अंदर लोकोमोशन किस किस्म का है और फिर जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं बोन्स के रिलेटेड या स्केलेटन से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, यानी लोकोमोशन इन मैमल्स एंड एवोल्यूशन, सॉरी लोकोमोशन इन मैमल्स, मैमल्स जिसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं और इसके अलावा और आपको लाइक डॉग्स वगैरह, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत किंगडम एनिमेलिया का पता होना चाहिए, उसमें एक फैमिली मैमल्स की बनती है, ठीक है। और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, अगर आपको याद हो, रोडेंट्स आते हैं, हूफ मैमल्स आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आते हैं, इसके अलावा बैट्स भी आते हैं, फ्लाइंग मैमल्स के अंदर आ जाते हैं, सही, और भी इस तरह काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। सो मैमल्स के लोकोमोशन पे आते हैं, तो मैमल्स जो से हैं उन्होंने बड़ा अडॉप्ट किया, यानी आप कह लें कि उनके अंदर बड़ी लोकोमोटरी चेंजेस आई हैं उनके स्केलेटन के अंदर, और उसकी जो मूवमेंट है अडॉप्ट मूवमेंट्स के हिसाब से उनके जो तीन मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं, लाइक या तीन मेजर कैटेगरीज कह लें कि मैमल्स जो से हैं वो मूवमेंट के हिसाब से तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लैंटीग्रेड, दूसरा है डिजिटीग्रेड्स और लास्ट में उंगुलीग्रेड्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लैंटीग्रेड्स, प्लैंटीग्रेड्स वो मैमल्स हैं जो कि अपना पूरा हाथ यानी हथेली जो उनसी जमीन पर रख के चलते हैं, ठीक है, जिससे हमारा पाँव है, सही। इसके अंदर टार्सल्स, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस तीनों जो उनसे हैं, डिस्टल जो उनसे बोन्स हैं हमारे इसके क्या कहते हैं यार स्केलेटन के, ठीक है, स्केलेटन के जो डिस्टल बोन्स हैं ये तीनों के तीनों जमीन के ऊपर आती हैं, फिर उसके मदद से चलते हैं। जबकि डिजिटीग्रेड्स वो हैं जिनकी फ्लैंजेस सिर्फ जमीन पर आती हैं, लाइक इसकी एग्जाम्पल मतलब प्लैंटीग्रेड्स के अंदर तो मॉन्कीज आ जाएंगे, मैन, ठीक है जी, या फिर बंदर जो उनसे एप्स हैं, ठीक है। सो प्लैंटीग्रेड्स की एग्जाम्पल है। डिजिटीग्रेड्स के अंदर आपके रैपिड्स, रोडेंट्स वगैरह आ जाते हैं, सही। सो प्लैंटीग्रेड्स की एग्जाम्पल्स में कौन से आ जाएंगे, मैन या फिर एप्स यानी जो बंदर हैं, ठीक है, और बियर। जबकि डिजिटीग्रेड्स के अंदर जो एग्जांपल्स आ जाएंगे उसमें कौन कौन से हैं, रैबिट्स, ठीक है, एंड रोडेंट्स, ठीक है, कि जो रैबिट यानी खरगोश है और जो बिल बना के रहते हैं जमीन के ऊपर वो अपने फ्लैंजेस के ऊपर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। असल में यानी जब हम यानी कह लें कि प्लैंटीग्रेड से डिजिटीग्रेड्स में कन्वर्ट होने की क्या जरूरत थी, कि इनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है, यानी फास्ट मूवमेंट, ठीक है, कि अपने डिजिट्स के ऊपर चलना इनके लिए बेहतर होता है, स्विफ्ट मूवमेंट आ जाती है, सही। और इसी तरह फिर कुछ मैमल्स जो कि उंगुली ग्रेड्स, वो अपनी फ्लैंजेस की टिप्स के ऊपर, ठीक है, यानी उनके जो टोज होते हैं, कह लें जो टिप्स हैं उनके ऊपर वो ट्रैवल करते हैं, और उनके जो से टोज होते हैं स्पेशल एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम हूफ कहते हैं, हूफ, या फिर उर्दू में से हम खुर कहते हैं, जिस तरह घोड़े के टांग के नीचे खुर होते हैं, ठीक है, यानी जिसके ऊपर वो चलता है। सो तो वो अपने हूफ के ऊपर चलते हैं, सही है। सो यानी उनके जो फ्लैंजेस होते हैं इनके टॉप के ऊपर कुछ मॉडिफाइड हूफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर चलते हैं। इसके एग्जांपल्स में कौन से आ जाएंगे, लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देना चाहें तो उसमें सबसे पहले तो वही घोड़ा, ठीक है, घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते थे भला, हॉर्स, ठीक है, सॉरी हॉर्स, और हॉर्स के साथ साथ इसके अंदर डियर यानी हिरन आ जाएगी, गोट, बकरी वगैरह। सो ये अपने खुरों के ऊपर चलते हैं, ठीक है, नहीं हूफ के ऊपर ट्रैवल करते हैं, जो उनकी फ्लैंजेस उनके टॉप के ऊपर मॉडिफाइड हूफ्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अगेन जब रैबिट से रोडेंट्स से, जब डिजिटीग्रेड्स से इंगुली ग्रेड्स पे जाएंगे तो अगेन इनकी मूवमेंट मजीद फास्ट हो जाएगी, मोर फास्ट या मोर स्विफ्ट मूवमेंट हो जाएगी इनकी, ठीक है, और तेजी से ये मूव कर सकेंगे। सो लोकोमोशन मैमल्स को हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, प्लैंटीग्रेड जो कि अपने पूरे पाम के ऊपर हथेली के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर उनके टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस इन्वॉल्व होती हैं, जबकि डिजिटीग्रेड सिर्फ फ्लैंजेस पर ट्रेवल करती हैं, जबकि उंगुली ग्रेड्स जो से है वो स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है उनके फ्लैंजेस के टॉप के ऊपर, जिसे हम हूफ कहते हैं, हूफ के ऊपर ट्रेवल करते हैं, सही। और इनकी फिर एग्जाम्पल्स हैं लाइक मैन, एप्स, बियर वगैरह जो प्लैंटीग्रेड्स हैं, जबकि रैबिट्स, रोडेंट्स वगैरह जो हैं ये डिजिटीग्रेड्स, और उंगुली ग्रेड्स के अंदर हॉर्स, डियर एंड गोट वगैरह की एग्जाम्पल आ जाएगी।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नहीं दैट इज एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स, ठीक है, फिर उनके रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन भी स्टडी करेंगे. सो हियर द सेकंड टॉपिक या सेकंड टॉपिक. सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जहन में रखने वाली चीज़ है, यानी हम फिशेज स्टार्ट करेंगे, कि जो फिशेज मूव करती थी दे प्रोड्यूस एन एस शेप रिगलिंग. यानी अगर आपको ये थोड़ा सा नोट करें तो इस तरह ये एस शेप की रिगलिंग प्रोड्यूस हो रही है, दे प्रोड्यूसिंग एस शेप रिगलिंग, ठीक है. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखने की, ये सारे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में. सो यानी हर के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ठीक है. अब मसलन अगर हम फिशेज के वर्टिब्रल कॉलम की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एस शेप रिगलिंग है, जो कि उसे किसमें हेल्प करती है, स्विमिंग के अंदर, ठीक है. उस टाइम वो उसे स्विमिंग में हेल्प, नहीं जब वो रिगल करती है तो उसके जरिए से पानी को पीछे की तरफ धकेलती है और खुद आगे की तरफ चलती है. सो ये एस शेप रिगलिंग है जो किस किस स्विमिंग के अंदर हेल्प करती है, सही. अब ये जो एस शेप रिगलिंग है जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आएगी, ये थ्रू आउट चैनल, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स उनके अंदर ये कॉमन है, ठीक है. यानी आपको वर्टिब्रेट्स जहां जहां भी मिलेंगे उनके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर खम आया हुआ होगा. जिस तरह अगर आप अपनी कमर में महसूस करें, आपकी कमर में भी हल्का सा खम होता है जब आप सीधा खड़े होंगे, आपको कमर वाले हिस्से के अंदर वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा शेप नजर आएगा, ठीक है. इस तरह कोई भी कह लें कि जो भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनके कॉलम के अंदर, सॉरी उनके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें एस शेप स्ट्रक्चर या रिगलिंग सी नजर आएगी, सही. सो एक ये चीज कॉमन है. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कह लें कि कॉमन पॉइंट है, यानी ये फर्स्ट वन हो गया ना, दैट इज एस शेप रिगलिंग. देन सेकेंड जो उनसे है कि जो होमोलोगी शो करते हैं, ठीक है, यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं दे शो होमोलोगी. होमोलोगी से क्या मतलब है कि दे हैव होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस या एनालोगस भी कह सकते हैं. एनालोगस नहीं कहते बल्कि, सॉरी, एनालोगस नहीं, होमोलोगस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है. अब होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन से क्या मतलब है कि दे हैव सेम एनाटमी, दे हैव सेम एनाटमी. एनाटमी का तो पता होना चाहिए आपको, मसलन जो इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम है और फिर उनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं. लाइक इसकी एग्जांपल देता मैं आपको, ये जो हमारे लिम्स हैं, फोर लिम्स, मसलन जो हमारा बाजू है जिसके अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस आते हैं, हाथ की उंगलियां वगैरह. सो यही चीजें आपको कैट्स में मिलेंगी जो कि रनिंग करती है, सही. यही चीज आपको वेल, यानी जो बड़ी मछली है, यानी वेल मछली फिश है, उसके अंदर मिलेगी. इस तरह यही चीज आपको बैट्स में मिलेंगी, सही. हालांकि इनके फंक्शंस डिफरेंट है लेकिन इनकी बेसिक एनाटॉमी सेम है, ठीक है. यानी ये एवोल्यूशन को शो करते हैं, दे शो एवोल्यूशन. तो उनका जो बेसिक डिजाइन है, यानी जो बेसिक कह लें कि पार्ट्स हैं, वो सेम है, बट आहिस्ता आहिस्ता इनके जो उनके हैबिटेट के लिहाज से, ठीक है. यानी अगर मैं कहूं कि बेसिक डिजाइन, ठीक है, जो कि चेंज हो रहा है, चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, कि जो उनका हैबिटेट जहां पे वो रह रहे हैं, जहां पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके मुताबिक उनका जो डिजाइन है या जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है, सही. और इसी तरह इसमें बैट्स फ्लाई करता है, जो वेल है ये स्विम करती है, कैट जो है वो रन करता है, ह्यूमन जो चीजों हाथ से तो चीजें नहीं हैंडल करता है, लाइक वो उसे रन नहीं करता लेकिन उसे हैंडल करता है, सही. यानी मैन का जो बाजू है दे जस्ट हैंडल, ठीक है, चीजों को हैंडल, काम यानी चीजों की डायरेक्ट, यानी हम अपने हाथ से बाजू से काम, दौड़ने का तो नहीं लेते, चलने फिरने का तो नहीं लेते, बस ये है कि चीजें हम आगे पीछे उठा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. कैट जो सा वो रनिंग के अंदर हेल्प कर रही है, ठीक है. व्हेल जो सा है ये स्विमिंग के अंदर, जबकि बैट का जो सा है ये फ्लाइंग के अंदर. सो इस तरह के वेरिएशन आती गई लेकिन जो बेसिक एनाटॉमी है वो सेम है. यानी फर्स्ट वन पार्ट क्या हो गया, यानी एस शेप रिगलिंग, वो कंटिन्यूस है, हमारी बॉडी के अंदर भी है, जिस दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी है. फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो होमोलोगी के, एनाटॉमी सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होते जा रहे हैं. इसके अलावा होमोलोगी को अगर हम लेके चलेंगे लाइक एवोल्यूशन के अंदर ही, के कुछ जो से मतलब, अब ये थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि मतलब ये आपने किंगडम एनिमेलिया के अंदर में भी पढ़ा हो फर्स्ट ईयर के अंदर,
आर्कियोपोटेरिक्स, एक खास किस्म के रेप्टाइल से जो कि फ्लाई भी कर सकते थे, उनके पास स्कल होती थी ऊपर और वो फ्लाई कर सकते, और यही आर्कियोपोटेरिक्स बाद में जाके बर्ड्स के एवोल्यूशन के अंदर हेल्प किया था। सही। सो ये डायग्राम बेसिकली उस एवोल्यूशन को समझाने के लिए डाली गई थी। वैसे अगर हम बर्ड्स की एनाटॉमी को स्टडी करें, सो बर्ड्स के अंदर जो मेजर चीज थी वो ये थी कि लाइक इनका पेक्टोरल गर्डल स्ट्रांग था, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, जिसके जरिए ये फ्लाई करते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड मसल भी कर लें कि पेक्टोरल मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं जो कि इनकी फ्लाइट के अंदर हेल्प करते हैं। सही। इसके अलावा इनके अंदर फीदर्स आ गए थे, फीदर्स, और इसके अलावा एक कील की डेवलपमेंट। हम अगर एनाटॉमी में देखेंगे ना, इनकी जो स्टर्नम है, जो स्टर्नम है वो कील बना लेती है। लाइक इधर अगर मैं एक डायग्राम पेस्ट करना चाहूँ, लाइक सॉरी डायग्राम का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा मुझे। सो इस तरह यानी एक बर्ड का विंग होता है, सही, जो कि फ्लाई करता है। सो इसके अगर आप ये देखें, ये जो सामने वाली जहाँ पे रिब्स आके ज्वाइन हो रही है, तो ये एक कह लें कि शार्प कील सा बनाया है इन्होंने, ठीक है, यानी इसमें जो स्टर्नम है, स्टर्नम जहाँ पे रिब्स आके ज्वाइन होती है, वो कील की शक्ल उसने अपनाई, यानी और वो फिर फ्लाइट के अंदर कह लें कि मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर, ठीक है, कि हवा जब आती है तो उससे रेजिस्टेंस नहीं होती, सो और उसके जरिए वो आसानी से फ्लाई कर सकता है। सो ये भी इसकी अडाप्टेशन हैं। इसके अलावा आपने मे भी याद हो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी जो बोन्स हैं, बोन्स हैव लार्ज स्पेसिस, ठीक है, कि इनके बोन्स के अंदर लार्ज स्पेसिस होते हैं जिसके जरिए से फ्लाई कर पाते हैं। सही। और फिर इसके बाद इनके मॉडिफाइड, ठीक है, एक और ये डायग्राम भी है, सही, जिसके अंदर आपको चीज़ें नजर आ रही होंगी, लाइक ये हाइपोथेटिकल प्रोएविस है, फिर आर्कियोपोटेरिक्स बना, और फिर आजकल का बर्ड्स, ठीक है। सो ये भी एवोल्यूशन है। सो खैर हम फीचर्स की बात करते हैं, पेक्टोरल गर्डल मसल्स, फीदर्स आ गए, कील जो कि स्टर्नम की जगह पे आई है, और फिर बोन्स हैव लार्ज स्पेसिस। इसके अलावा जो विंग्स हैं वो मॉडिफाइड हैं फ्लाइट के लिए, कि वो यानी एरोफाइल का वर्ड हमने पिछले चैप्टर के अंदर यूज किया, सॉरी पिछले लेक्चर के अंदर। सो एरोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं जो कि अपलिफ्ट देते हैं। सही। सो बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं। सो इस तरह यानी कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक अनाटमी है वो सेम है मैमल्स के दौरान, मैमल्स में, लेकिन वो ऐसा था यानी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, यानी जो स्विम करेगा उसके लिए यानी फ्लिप्स होंगे लाइक वेल्स हैं, जो रन करेगा उसके लिए यानी सेम अनाटमी है बट डिफरेंट उनका कह लें कि मेकअप है या डिफरेंट उनकी ज्वाइंट्स वगैरह हैं। सही। सो इस तरह यानी एवोल्यूशनरी चेंजेस आती रही हैं बोन्स की अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। और फिर इसमें जो मेजर रोल था वो किसका था, हैबिटेट का, यानी जिस तरह किस्म का हैबिटेट था उसके लिहाज से चेंजेस आती गई। सो अगर मैं एक जनरल सा आइडिया दूं आपको समझाने के लिए एवोल्यूशन का, सो इसमें यह था कि मसलन आई विल ड्रा डायग्राम, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करूंगा, लाइक दिस इज वाटर, सही, और फिर यहाँ से ये लैंड स्टार्ट हो रही है, दिस इज लैंड, तो यहाँ पे फिश थी, लाइक वाटर के अंदर हमें, सॉरी फिश हुई, फिश से आस्ते आस्ते रेप्टाइल्स बने, ठीक है, कि रेप्टाइल्स जो कि लाइक फ्रॉग है, ठीक है, जो कि जंप कर सकते हैं, फिर रेप्टाइल जिसकी नहीं लिम्स बन गई थी, फिशेज में लिम्स नहीं थी, रेप्टाइल्स में लिम्स आ गई, ठीक है, और फिर इससे एनिमल्स बने, ठीक है, लाइक मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर कोशिश कर रहा हूं मैं। सो इस तरह एनिमल्स बने जिनके साथ टेल्स होती थी, फिर एनिमल्स से ह्यूमंस की स्ट्रक्चर बना, सही। सो यानी ये अडाप्टेशन होती है, यानी ये एक्वेरिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, अब मछली सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है, फिर एक्वेटिक के अंदर यानी फिशेज आ गई, और फिर रेप्टाइल्स, सॉरी रेप्टाइल्स जो कि एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्रॉग कैन स्विम इन वाटर, या इनका जो आधा लाइफ पीरियड होता है वो पानी में होता है, फिर बकाया वो खुश्की पे आके गुजारते हैं। सो रेप्टाइल के अंदर एक्वेटिक भी आ जाता है और लैंड भी आ सकता है, फिर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, फिर ये ह्यूमंस हैं जो कि जिनकी टांगे हैं कह लें कि जिनके पर वो चलते हैं, सही, यानी ये इनकी भी हाइंड लिम्स और फोर लिम्स होती हैं, ठीक है, ऊपर वाले हाथ,
और नीचे टांगे होती हैं और पांव इस तरह. बट इस तरह जिस तरह यानी एनिमल्स होते हैं लाइक कैट डॉग्स वगैरह उस तरह का हिसाब नहीं होता. यानी इनके अंदर तो ये होता है कि जो फोर लिम्स है वो भी लोकोमोशन में हेल्प होती है, हाइंड लिम भी. लेकिन जो ह्यूमंस इसमें सिर्फ हाइंड लिम जो है वो मॉडिफाइड है लोकोमोशन के लिए, जबकि फोर लिम सॉरी जो फोर लिम्ब है वो सिर्फ हैंडलिंग के अंदर यूज होती है, ठीक है, जिसमें हमारे हाथ भी जुड़े होते हैं. सही. सो ये एक कह लें कि एवोल्यूशनरी थोड़ा बहुत टच था जिसके जरिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता. तो आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली बीच में जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है, लाइक ये वर्टिब्रल कॉलम है, इस फ्रॉग के अंदर इस तरह कर्व होता है, इसके अंदर भी कर्व होता है इस तरह, ह्यूमंस के अंदर भी सामने से तो कर्व नजर नहीं आता लेकिन साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको कर्व फील होगा वर्टिब्रल कॉलम का, वो इन सब के अंदर मौजूद रहता है. सही. सो ये कुछ आइडिया देने के लिए कि एवोल्यूशनरी चेंजेस और फिर उसके लिहाज यानी एवोल्यूशनरी चेंजेस इन बोन्स हैबिटेट के लिहाज से जो था. सही. सो यहाँ पे ये हमारा सॉरी स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जैसा चैप्टर था वो भी कवर होता है. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. मसलन आज हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले लोकोमोशन मैमल्स की बात की, तो उसके अंदर हमने तीन कैटेगरीज बनाई, प्लैंटीग्रेड्स, डिजिटीग्रेड्स एंड अंगुलीग्रेड्स. प्लैंटीग्रेड्स वो थे कि जो पूरी हथेली पे चलते हैं लाइक मैन, एप्स, बियर. फिर डिजिटीग्रेड्स जो कि सिर्फ फ्लेंजेस के ऊपर, और जबकि अंगुलीग्रेड्स जिनसे वो मॉडिफाइड कह लें कि टिप्स होती थी टोज की, यानी इनकी जो फ्लेंजेस हैं उनकी मॉडिफाइड टिप्स हैं जिन्हें हम हूफ कहते हैं, हूफ के ऊपर ट्रैवल करते हैं. फिर एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स में हमने देखा, तो उसमें हमने कहा जी कि एस शेप रिगलिंग कॉमन है तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनके उनके वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा बहुत कर्व आएगा. फिर दूसरा होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, यानी कि अनाटमी सेम है बट हैबिटेट के लिहाज से उनके अंदर थोड़ी बहुत एवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक डिजाइन सेम है और चेंज अकॉर्डिंग टू हैबिटेट. मसलन जो ह्यूमंस का हैंड है ये हैंडल करने के लिए होता है, रनिंग के लिए कैट और स्विमिंग के लिए वेल और फ्लाइंग के लिए बैट. बट उनकी जो स्ट्रक्चर है ह्यूमरस, रेडियस, अल्नर, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस वो सब में कॉमन है. सही. और फिर हमने थोड़ा बहुत बर्ड्स का इंट्रोडक्शन किया कि बर्ड्स के लिए जो अडाप्टेशन थी, मसलन उनके पेक्टोरल गर्डर्स और मसल स्ट्रांग है, फीदर्स आ गए, उनके जो स्टर्नम था वो कील में डेवलप हो गया और ये कील का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था. इसलिए इनके जो बोन्स हैं उनके अंदर स्पेसिस आ गई, विंग्स एरोफाइल के तौर पर एक्ट किया. सही. सो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कह लेंगे स्टोरी सी बनाई कि लाइक एक्वेटिक फिशेज जो सी थी वो रेप्टाइल्स में चेंज हुई आहिस्ता आहिस्ता, फिर रेप्टाइल्स एनिमल्स में मॉडिफाई हुए और एनिमल्स के अंदर जो टॉप कह लें कैटेगरी ह्यूमंस उधर से डेवलप हुए, ठीक है, जो कि अपने हाइंड लिम्ब के ऊपर चलते हैं.